एक शख्स नजर बद से डरता है, फिर वाकई उसे नजर लग जाती है। एक शख्स नाकामी से खौफ खाता है और वो वाकई नाकाम हो जाता है। एक औरत को धड़का लगा रहता है कि उसका बच्चा बीमार हो जाएगा और फिर वाकई वो बीमार हो जाता है। एक शख्स फकर और मोहताजी से डरता है, फिर वो वाकई फकीर और तंग दस्त हो जाता है। ये सब कैसे होता है? इसकी वजह ये है कि एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है, अना इंदा वन्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के जन यानी गुमान पर पूरा उतरता हूँ। और कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपने बंदे के हुस्न जन पे पूरा उतरता हूँ, बल्कि खाली जन फरमाया, गुमान। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब आदमी गुमान करता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, रिज्क में कुशादगी होगी, माल और औलाद में बरकत होगी, तो अल्लाह ताला पर हुस्ने जन रखता है और अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसे अता करता है। मगर जब आदमी हर वक्त खौफ में रहता है, उसे फकर व मुफलिसी या बीमारी का खौफ लगा रहता है, वो दरअसल अल्लाह ताला से बदजन है। अल्लाह ताला भी उसे उसकी नीयत के मुताबिक अता करता है। इरशाद रब्बानी है, वयुअज़्ज़िबु अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुशरिकीन والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیرے میں وہ خود آ گئے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھلائی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں बंदे को अल्लाह ताला पर हुस्ने जन से बेहतर कोई चीज आता नहीं हुई, क्योंकि बंदा अल्लाह ताला पर हुस्ने जन रखता है तो अल्लाह ताला जरूर बिज़रूर उसके हुस्ने जन पर पूरा उतरता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे कसम है अल्लाह ताला की, जिसने भी अल्लाह ताला पर हुस्ने जन रखा तो अल्लाह ताला जरूर उसके हुस्ने जन पर पूरा उतरेगा। उसकी वजह ये है के जमीन और आसमान के तमाम खजाने और सारा का सारा फजल अल्लाह ताला के पास है। सूरह हिजर की आयत नंबर 21 परेशान हाल लोगों को नई उम्मीद दिलाती है। फरमाया गया, वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हो। जब ऐसी बात है कि तमाम चीजों के खजाने अल्लाह के पास हैं, तो मुस्तकबिल की क्या फिक्र की जाए।